हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों आज मैं आपके साथ बेसिक डेकूपाज टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जो कि जनरली हम मैगजीन कटआउट्स या कोई भी प्रिंटआउट्स या टिश्यू पेपर प्रिंटआउट्स, इवन आप कपड़े के कटआउट्स को भी किसी भी सरफेस पे स्टिक करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं, पुरानी चीज़ को अपसाइकल कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वे में। तो आज हम बॉटल पे करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो आप मटेरियल नोट कर लीजिए। तो इसके लिए हमें लगेगी ग्लास बॉटल, इवन आप प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वुड यानी मेटल, किसी पे भी डेकोपाज कर सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ होममेड मॉडपॉज। इस ये कैसे बनाया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये मार्केट में भी इस तरीके से मिल सकता है। उसके बाद जैसो, ये भी होममेड है, ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए ये टिश्यू पेपर। ये अमेज़ोन या इट्सी बिट्सी ऑनलाइन, इसमें बहुत वेराइटीज़ हैं। तो ये डेकोपाज टिश्यू पेपर है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। स्पॉन्ज, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें घर में बनाई थी, उसमें से ये एक डैबर भी है। तो ये इस तरह के डैबर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, और आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं स्पॉन्ज से। फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, एक्रेलिक पेंट्स, और लास्ट में ये वार्निश है। ये दो टाइप से आते हैं, स्प्रे वार्निश है और ये इस तरह का लिक्विड भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वुल या आप कोई भी धागा ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये है जूट रोप, आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी बाद में बॉटल को अपने स्टाइल से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये पेपर प्लेट या कोई भी प्लेट जिसमें हम कलर मिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी ग्लास बॉटल या कुछ भी आप लेते हैं, उसे इस तरीके से अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल भी उस पर डस्ट नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद हम ये जैसो इस पर अप्लाई करेंगे स्पॉन्ज या इस तरह के स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से। आप चाहे तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट एक्रेलिक कलर, लेकिन अगर आप जैसो पहले बेस कोट देंगे तो उससे आपका कलर इस पर अच्छे से टिका रहेगा, वो अच्छे से लेगा। ग्लास सरफेस जनरली कलर्स को अच्छे से नहीं ले पाता है। और ब्रश अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रश से इसको पेंट करेंगे तो उस पर स्ट्रोक्स दिखेंगे, वो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये कवर हो गया है पूरा, और इसको ड्राई होने के लिए हमें रख देना है। तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, और अब हम इस पर मेन कलर देंगे। जनरली जो टिश्यू पेपर पे जो हम प्रिंट लेने वाले हैं, उस प्रिंट का जो बेस कलर होता है, जो प्रिंट के बैकग्राउंड में कलर होता है, उस बैकग्राउंड का कलर हमें सरफेस पे करना चाहिए, तो उससे वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ये जो दो प्रिंट्स हैं, मैं दोनों प्रिंट्स को अलग अलग बॉटल्स पे स्टिक करने वाली हूँ, एक पे रोज़ और एक पे बर्ड। आप चाहे तो पूरा प्रिंट किसी एक सरफेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दो जगह इसको यूज़ करने वाली हूँ। इस प्लेट में अब हम जो बैकग्राउंड का कलर है वो मिक्स करके बनाएंगे। तो ये जो पीच कलर है, इसको थोड़ा डार्क पिंक करके यानी कि येलो टिंट से मुझे ये कलर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वाइट एक्रेलिक पेंट लूँगी, उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स करके उसे पिंक कलर बनाना है, और थोड़ा सा येलो कलर ऐड करना है। कलर बहुत थोड़े थोड़े यूज़ करने हैं, अदरवाइज वो बाद में वेस्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का एक शेड बन गया है। मुझे लग रहा है अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा और मैं लाइट करने के लिए वाइट कलर ऐड करूँगी। अब ये टिश्यू पेपर के बैकग्राउंड से काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, और इसे हम स्पॉन्ज की हेल्प से इस पर अप्लाई कर देंगे, पूरी बॉटल को ही इससे कवर कर देंगे। अब इस वाली बॉटल को पेंट करेंगे। उसके लिए ये जो बर्ड के पीछे पीच कलर है,
मैं वो बैकग्राउंड देने वाली हूँ। तो उसके लिए जो हमने पहले से पिंक प्रिपेयर किया था उसको थोड़ा और लाइट कर देंगे। इसके लिए इसमें मैंने वाइट और येलो कलर मिक्स कर दिया है। डेकोपाज आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल और अलग अलग सरफेस पे कुछ अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली स्टिक और पेस्ट होता है, जो कि आपको एक बार ये टेक्निक समझ में आ गई तो आप कर लेंगे। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और अब हम इस पे नैपकिन के कटआउट्स को स्टिक करने वाले हैं। देखिए डेकोपाज नैपकिन आपको अमेजोन, इट्सी बिट्सी और ऑनलाइन बहुत वेराइटीज़ आपको इस तरह से मिल जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप का पेपर होता है, जनरली इसमें 2 प्लाई और 3 प्लाई आता है, मेरे पास ये 2 प्लाई है। और इसको इस तरीके से हमें, आप ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 2 लेयर्स इसको अलग अलग करना है। और ये देखो ये ट्रांसपेरेंट शीट दिखनी चाहिए। तो अब हम ये प्रिंट कट करेंगे, इसका भी एक मेथड होता है। तो ब्रश को पानी में डुबो के इस तरीके से जो भी हमें एरिया कट करना है उस एरिए को पानी से गीला करेंगे। उसको प्रिंट से थोड़ा आपको दूर रखना है क्योंकि वो पानी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आप इस तरीके से बॉर्डर को पानी से गीला करना है और इस तरीके से हाथ से टेयर करना है, कैंची से कट नहीं करना है, क्योंकि हमें इस प्रिंट को बॉटल के साथ या जो भी बैकग्राउंड है उसके अंदर हमें मर्ज करना है। अगर हम कैंची से उसको कट कर देंगे तो उसके एजेस दिखेंगे तो वो प्रॉपर नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा डेकोपाज में इस तरीके से जो हम नैपकिन यूज़ करते हैं तो उसे हाथ से ही टेयर करना है, पहले उसे इस तरीके से पानी से हमें गीला करना है। अब पहले इसको हम इस तरीके से अरेंज करके देख लेंगे कि बेसिकली हमें इस पे करना क्या है और किस तरीके से इसको स्टिक करना है। तो मुझे ये ऊपर वाला फ्लावर थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं इसको और कट कर दूंगी और अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो अब इसको स्टिक करने के लिए हम ये होममेड मॉड पॉज ग्लू यूज़ करने वाले हैं। यूज़ करने से पहले इसे शेक करना है अच्छे से और फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम इसे स्टिक करेंगे। तो जिस भी एरिया में आपको ये कटआउट्स लगाने हैं वहाँ पे आप ये मॉड पॉज ग्लू अप्लाई कर दीजिए इवनली, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और ये बहुत ही केयरफुली इस पे आपको स्टिक करना है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से प्रेशर देना है। ऊपर इस तरीके से स्पॉन्ज से आप अगर प्रेशर देंगे तो ये रिंकल फ्री स्टिक होगा, इस पे रिंकल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से धीरे धीरे स्टिक करना है, बहुत आराम आराम से करना है, अदरवाइज ये फट भी सकता है। और कोशिश करनी है कि रिंकल नहीं पड़े। अगर आप इस तरीके से स्पॉन्ज से या आप ये ड्राई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको इवन करने के लिए, तो ये फटेगा नहीं और अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा कटआउट भी लगा देंगे। आप चाहे तो पूरी बॉटल को इस तरीके से कटआउट्स लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट साइड यूज़ कर रही हूँ। कभी भी गीला ब्रश इस पर अप्लाई नहीं करना है कटआउट लगाने के बाद, ऊपर से इस तरीके से हमेशा ड्राई ब्रश से ही उसे इवन करना है, अदरवाइज वो फट भी सकता है। और आप स्पॉन्ज से भी इसको कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब हम दूसरी वाली बॉटल पे ये बर्ड लगाते हैं, सेम मेथड से इसे भी हमें गीले ब्रश की हेल्प से अलग करना है। इसे भी हम मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर देंगे। मैंने ये छोटा सा रोज भी कट कर दिया है।
होममेड मॉड पेज ग्लू जैसो जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको किस तरीके से बनाते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन से ये सब चीज़ें खरीद भी सकते हैं। अब इन बर्ड्स को भी सेम मेथड से हम स्टिक करेंगे ऊपर से ड्राई ब्रश से इवन करें। और बहुत ही केयरफुली आपको ये स्टिक करना है, अदरवाइज इस पे बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, इसके लिए मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ और व्हाइट एक्रेलिक कलर। ऑरेंज और व्हाइट को मिक्स करके कुछ हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो बहुत थोड़ा सा ब्रश में कलर लेना है आपको और इस तरीके से उस पर कटआउट के साथ मिक्स करने की कोशिश करनी है। कटआउट और बैकग्राउंड दोनों को आपस में मर्ज करेंगे हम अभी। फिर उसी कलर को स्पॉन्ज की हेल्प से आप ऊपर तक फैला दीजिए जहाँ जहाँ भी आपको शेड्स देने हैं। तो इससे क्या होगा कि कटआउट कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है। पीछे की तरफ भी हम इसी तरीके से शेडिंग करेंगे और अब सेम तरीके से हम छोटी बॉटल को भी डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है, सेम मेथड से मैं इस पर डैबिंग कर रही हूँ स्पॉन्ज की हेल्प से। ये ब्लू कलर है, हल्का सा ऊपर की तरफ इससे मैं इसे शेड दे रही हूँ और यहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेलिंग देंगे कंप्लीट ड्राई होने के बाद में। इस तरीके से हम प्रिंट को और भी उभार सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन कलर लीफ को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इस तरीके से इसे फिनिशिंग देंगे। और अब लास्ट में जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो ऊपर से हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉड पॉज ग्लू का एक कोट और देंगे जिससे कि कम्प्लीटली सील हो जाएगा। ये स्टेप नहीं भूलना है। और ये बॉटल्स तैयार हैं, अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो एक पर मैं ये जूट रोप लगा रही हूँ।
और छोटी बॉटल पर मैं ये वूल रैप कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये वूल में दो बीट्स लगा दिए हैं, इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और इसको इस तरीके से इस पर बांध देना है। और लास्ट में अब हम इस पे वार्निश अप्लाई करेंगे। वार्निश के लिए आप चाहे तो लिक्विड या ये स्प्रे वार्निश यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे ये स्प्रे वार्निश कर रही हूँ, तो इसको कुछ इस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसमें से बहुत स्ट्रांग गैसेज निकलती हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। और अगर आपके पास कोई बच्चा है, नज़दीक कोई बच्चा है, तब तो ये बिल्कुल भी ना करें। आप किसी खुली जगह पर जाकर इसे करें। लिक्विड वार्निश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अप्लाई करने से ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ग्लॉसी लुक देगा और ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप इसे गीले कपड़े वगैरह से भी क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको बेसिक टेक्निक समझ में आ गई होगी डेकोपाज की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ और नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।